वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको बड़ा फेमस साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट डिश है वो उपमा बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो ये साउथ इंडियन डिश है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसको पसंद किया जाता है। आप सुबह भी इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी इसको बना के दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़न वगैरह में भी आप इसको पैक कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी और बड़ी ईजिली बन जाता है और बड़ा हेल्दी होता है। आप इसको सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। मैं आज आपको उपमा बनाना सिखा रही हूँ, उसके लिए जो जो मैंने चीज़ें ली हैं वो इस प्रकार है। मैंने एक कप ये देखिए सूजी ली है, एक कप। आपने बिल्कुल नाप के बनाने के, हमने पानी डालना है जो उसी अकॉर्डिंग डालना है हमने। अगर एक कप लिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग पानी 3 कप या 2.5 कप डालेंगे, मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा हमने लिया है एक प्याज, अदरक और एक हरी मिर्च का थोड़ा आधा चम्मच छोटा, ये करी लीव है 15 से 20, एक टमाटर है, ये उड़द धुली दाल मेरे पास है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून राई है, एक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, ये थोड़े से काजू है, आप मूंगफली भी डाल सकती हैं, ये ऑप्शनल है। और इसके अलावा मेरे पास ये मटर है, आप गाजर शिमला मिर्च या बीन्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं, और सीजनल जो वेजिटेबल होती हैं वो जब मिले तो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देसी घी है थोड़ा सा, ये हमारे से ऑयल है और पानी मैं इसको गर्म करूँगी, हम गर्म पानी डालेंगे। तो पानी मैंने गर्म होने रख दिया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया कैटल में, तो अब मैंने गैस ऑन कर दी, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब जो एक कप मेरे पास सूजी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो उपमा है वो टेस्टी नहीं बनेगा और कच्चापन इसमें आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। इसको हम मीडियम आंच पे कम से कम हम 5 से 7 मिनट भूनेंगे, लाइट सा ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। लगातार हिलाते हुए भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाती है। चीज़ें मांझ कर दिए मैंने और इसको भून लिया। ये आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको सूजी भूनते हुए, इसकी महक भी आने लगी, यानी कि भूनती हुई स्मेल आ रही है। तब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये मैंने इसको निकाल दिया और फैला देंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा ना भूने। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच बड़े वाले इसमें रिफाइंड तेल के डालेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन तेल ठीक रहता है। ये 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाता। ये मेरे पास आप काजू हैं, अगर आप मूंगफली डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा भून के रखूँगी, निकाल लूँगी घी में। मैं आपको बताना भूल गई, इसमें 1/2 छोटा चम्मच ये चीनी भी पड़ेगी और 1/2 नींबू का जूस भी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए हमारे काजू, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए काजू मैंने ब्राउन करके निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने घी डाल दिया, अब इसमें हम डालेंगे ये मेरे पास राई और उड़द की दाल है 1 टी स्पून, इसको भूनने देंगे। दाल को 2 मिनट तक लगभग भूनेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे। आंच मीडियम ही रखें। ये
ये मेरे पे 8 से 10-15 कड़ी पत्ता है, वो भी हम डाल देंगे। और ये अदरक और हरी मिर्च है ग्रेट की, ये भी डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च डाल दिया, मैं ये प्याज जो मेरे पास चॉप किया है वो डाल दूँगा। फिर इसको भून लेंगे, इसको भी 1-2 मिनट भूनेंगे। इसके बाद ये मेरे पास मटर है 2 बड़े टेबल स्पून, वो भी डाल देंगे। इसको भी 1-2 मिनट चला लेते हैं। फिर हम इसमें ये टमाटर मेरे पास कटा हुआ है, वो भी डाल देंगे। ये मैंने मटर और टमाटर डाल दिए, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स और शिमला मिर्च वगैरह भी। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये सब्जियां जल जाएं। तो ये मेरे पास 1/2 चम्मच चीनी है, ये भी डाल दूँगी ताकि मटर का रंग हरा बना रहे। ये भी इसमें, और इसमें थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे और इसको ढक के 2 मिनट पका लेंगे ताकि हमारी मटर गल जाए। फिर मैं आपको दिखाऊँ। यानी कि मैंने 2 मिनट इसको ढक के पका लिया और हमारे मटर ऑलमोस्ट गल गए हैं और टमाटर भी हरा पक गया। तो अभी अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो जब हम सूजी इसमें डालेंगे पानी तो ये पक जाएंगे। अब ये हमारे पास 1 कप सूजी हमने भून के रखी थी, वो इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं सब्जियों के साथ। और थोड़े से हम इसमें ये काजू डाल देते हैं, बाकी के हम गार्निश के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब मैं आपको ये जो मेन इसका पानी का है वो बताऊंगी आपने कितना डालना है। ये देखिए मैंने सूजी डाल के 1-2 मिनट भून लिए। अब मैंने थोड़ा सा पहले नमक डाला था 1/4 टीस्पून, तो अब 1 टीस्पून या आप अकॉर्डिंग अपनी टेस्ट डाल सकते हैं नमक इसमें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। वैसे याद रखने की बात है कि 1 कप में 1 टीस्पून नमक पड़ता है। ये देखिए अब 1 कप हमारी सूजी थी, तो हम इसमें लगभग 3 कप के करीब पानी डालेंगे गरम। ये देखिए 1 कप था मेरे पास, अब आप देख सकते हैं मैं इसको गरम पानी 3 कप डालूंगी। देखिए मैं 3 कप पानी डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिला। आँच मैंने अभी धीमी रखी है। अब इसमें 1/2 नींबू का जूस डाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल ठीक पड़ना चाहिए। अगर आपका पानी का नाप ठीक नहीं होगा तो आपका माचा नहीं बनेगा। इसको मीडियम आंच पे ही मैंने रख दिया। अब इसको ढक के कम से कम 5 मिनट इसको बनने देंगे, पकने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए मैंने इसको ढक के रखा था। ये देखिए हमारा
ये बनकर तैयार है बिल्कुल। हमने मैंने इसको सिम पे रखा था, ये ऐसे ही हमारा बनना चाहिए। अब आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं और देसी घी भी, इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं एक चम्मच इसमें देसी घी डाल दी। और ये हमारा बनकर तैयार है। अभी हम गैस बंद करके इसको 2-3 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, जब बन गया। अब हम इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको मोल्ड में डाल लिया। आप इस तरह के कांच के बाउल में या किसी भी कटोरी या उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें मैंने डाला है। अब हम इसको दबा दबा के, जैसे आप पहले इसको रखिएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल दबा दबा के कि उसकी शेप बन जाए। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और इसको आराम से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा ये मोल्ड। और इसी प्रकार हम अभी मैं आपको पूरा सर्व करके दिखाती हूँ और गार्निश करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया। पहले मोल्ड वाला मैंने ये बीच में रखा है, आसपास मैंने वैसे रख दिया। तो मेरे पास ये मिनी वो है करी पत्ता, तो मैं उसके साथ इसको गार्निश करूँगी। और एक नींबू भी साथ रख देते हैं। आप ये बनाइए और खाइए, और नाश्ते में भी बना सकते हैं और शाम के समय भी, और वैसे भी बच्चों के टिफ़न में आप बनाइए। और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगे मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे बताइए आप क्या क्या देखना चाहेंगे। ये सूजी का हल जो उपमा है, ये 1 कप में 4 जनों को सर्व हो सकता है। तो ये देखिए आप बना के देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप बनाइए खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।